जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑटो सपोर्ट पर और मैं हूं वसीम आपका दोस्त आपके साथ। दोस्तों आज अपने साथ में है द ऑल न्यू टाटा टियागो XT मॉडल, जो कि इसका सेकेंड बेस मॉडल होगा। कहा जाए तो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए साबित होगा और लगभग आपकी ज़रूरत के सारे फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। आपकी सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए टाटा मोटर्स ने ये ट्रिम तैयार किया है, जिसमें आपको आपकी ज़रूरत के लगभग सारे फीचर्स। दोस्तों ये इसका सिल्वर कलर है, इसके अलावा इसमें और बाकी कलर्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके अगर मैं डिज़ाइनिंग की बात करूं तो अगेन मैं यही कहूंगा, ये टाटा मोटर्स की एक न्यू डिज़ाइन फिलॉसफी पे बेस्ड है, जो कि इटली UK पुणे डिज़ाइन सेंटर में डिज़ाइन की गई है। फ्रंट से आप देखेंगे तो लगभग बाकी गाड़ियों की तरह से ये भी है, इसमें भी आपको ब्लैक बेजल हेडलैम्प और पियानो ब्लैक फिनिश फ्रंट ग्रिल मिल जाती है विद 3D टाटा एम्बलम। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्रोम लाइन मिल जाती है बिल्कुल एंड टू एंड। फिर इसके नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर आपको फॉग लैंप के लिए प्रोविज़न मिल जाएगा, फॉग लैंप इसमें नहीं आते हैं, और यहाँ पे एक बड़ा सा एयर डक्ट आपको मिल जाता है। गाड़ी की टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो इसमें 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन आता है, जिसकी मैक्सिमम पावर 86 PS रहेगी और मैक्सिमम टॉर्क 113 न्यूटन मीटर रहता है। दोस्तों कुछ इस तरह की आपको गाड़ी की साइड प्रोफाइल मिल जाती है। व्हील साइज़ की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 175/65 R14, मतलब 14 इंच का इसमें आपको स्टील व्हील मिल जाता है विद फुल व्हील कवर। कुछ इस टाइप की आपको की ऑफर की गई है, जिसमें लॉक अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प जैसे फीचर्स दिए गए हैं। मिरर्स की अगर बात करूं तो यहां पे इसमें LED इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। कुछ इस टाइप का आपको यहां पर डोर ट्रिम मिल जाता है, जिसमें बॉटल होल्डर, मैगजीन होल्डर, चारों पावर विंडोज यहां पर आपको ऑफर की गई हैं। इसके अलावा इसमें कुछ माइनर चेंजेस अभी इसी गाड़ी में आए हैं। आपने देखा होगा पहले वाली गाड़ी में यहाँ पर एक नोब होती थी, बट अब वो नोब यहाँ से हटा के यहाँ पर दे दी गई है। गाड़ी में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स ऑफर किए गए हैं, जो कि आप इलेक्ट्रिकली लेफ्ट और राइट किसी भी डायरेक्शन में इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो स्टीयरिंग व्हील यहां पर आपको फ्लैट बॉटम मिल जाता है विद टिल्ट फंक्शन, इसको आप ऊपर नीचे कहीं पर भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली। एक नया फीचर इसमें और एड ऑन किया गया है, जो अभी लेटेस्ट टियागो XT आई है उसमें आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल भी मिल जाता है, जो कि पहले नहीं आता था। गाड़ी के अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पैनल की बात करूं तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पैनल बिल्कुल सेम है, जो कि फुली डिजिटल है और इसमें मल्टी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, जैसे गाड़ी आपके कितना माइलेज दे रही है, इंस्टेंट माइलेज कितना दे रही है, डोर औजार वार्निंग लैंप, कौन से गियर में आपकी गाड़ी चल रही है, कब आपको गियर चेंज करना है, और इसके साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर डैशबोर्ड की डिज़ाइनिंग मिल जाएगी। प्लास्टिक क्वालिटी गाड़ी की बहुत अच्छी है, क्योंकि मित्सुई जापान का प्लास्टिक टाटा यूज़ करता है। गाड़ी में एक और बहुत अच्छी चीज़ हार्मन को मैं कहूँगा कि हार्मन का म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पर यूज़ हुआ है और गाड़ी की जो साउंड क्वालिटी है दैट इज़ अमेजिंग। मतलब मैंने एक चीज़ इसमें ये नोटिस की है, फुल वॉल्यूम करके भी अगर आप इसमें साउंड एंजॉय करते हैं तो आपको एक एक बीट साफ सुनाई देगी, मतलब कि जैसे स्पीकर्स में फुल वॉल्यूम पे आवाज़ फट जाती है, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे तो AC पैनल ये आपको मैनुअल मिल जाता है, और नीचे AC स्विच और इनर सर्कुलेशन और एग्जॉस्ट नीचे मिल जाएगा आपको। इसके नीचे यहाँ पर कुछ स्पेस दिया गया है फ़ोन वगैरह कैरी करने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे 12 वोल्ट का एक्सेसरी सॉकेट, ऑक्सिलरी का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑक्सिलरी नहीं है, बट यहाँ पे आप देखेंगे USB पोर्ट भी आपको दिया हुआ है। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पर आपको मिलता है। ग्लोव बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो वेल ऑर्गेनाइज ढंग से ग्लोव बॉक्स भी यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें आपको टैबलेट होल्डर वगैरह मिल जाता है। तो वेल ऑर्गेनाइज ग्लोव बॉक्स में आप देखेंगे तो पेन होल्डर, विजिटिंग कार्ड होल्डर, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। यहाँ पर की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको सनवाइजर मिल जाएगा, जिसमें टिकट होल्डर होगा। इसके आप बैक में देखेंगे तो यहाँ पर माइक मिल जाता है आपको। डे नाइट रियर व्यू मिरर मिल जाएगा आपको यहाँ पर इनसाइड।
और काफ़ी कुछ छुपे हुए फीचर्स बहुत हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें हुक वगैरह ऐसे छोटे मोटे फीचर्स आपको बहुत मिल जाते हैं, मतलब कि 22 इंटेलिजेंटली डिज़ाइन यूटिलिटी स्पेस आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। तो आप अगर एवरेज बजट की गाड़ी कोई देख रहे हैं करीब 5.5 से 6 लाख के बजट की, तो मैं ये कहूँगा कि ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। सेफ्टी की अगर बात करूँ तो ग्लोबल एनकैप रेटिंग के अकॉर्डिंगली इस गाड़ी को 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो कि कह सकते हैं कि गाड़ी कम्प्लीटली सेफ है एक तरह से, मतलब इस सेगमेंट के हिसाब से, जिसमें फ्रंट टू एयरबैग्स यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है और ABS यहाँ पर आपको मिल जाएगा विद इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। गाड़ी का रियर स्पेस मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये आप देखेंगे तो रियर डोर कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा। रियर स्पेस ऑलमोस्ट ठीक ही मिल जाता है अगर देखा जाए तो, यहाँ पर करीब करीब 4 इंच का स्पेस होगा अगर ये सीट आपकी आइडल कंडीशन में रहती है तो। लगभग रियर स्पेस भी ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो 3 लोग आराम से आ सकते हैं एक एवरेज साइज़ के। ये गाड़ी की रियर प्रोफाइल है। रियर प्रोफाइल में आप देखेंगे तो गाड़ी में आपको इंटीग्रेटेड स्पॉयलर मिल जाता है विद ब्लैक स्पार्ट। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर टाटा की ब्रांडिंग और टियागो की ब्रांडिंग। यहाँ पर इसमें एक कैमरे का प्रोविज़न दिया हुआ है, यहाँ पर आप इसमें कैमरा लगवा सकते हैं। और इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर 2-पॉइंट अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं। गाड़ी का अगर बूट स्पेस की बात करूं तो गाड़ी में 242 लीटर बूट स्पेस आता है, जिसमें आपको 3 kg की कैपेसिटी के 2 हुक भी मिल जाते हैं बोथ साइड। यहां पर इसमें टूल किट मिल जाएगी आपको। इसके अलावा आप देखेंगे तो नीचे इसमें स्टेपनी वगैरह और टूल किट वगैरह जैक वगैरह मिल जाते हैं। पार्सल ट्रे इसमें पहले आती थी, बट पार्सल ट्रे अब इसमें आनी बंद हो गई है, मतलब पार्सल ट्रे हटा के काफ़ी कुछ इसमें बढ़ा दिया है, जैसे स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल और जो मैंने आपको डोर वाली नॉब बताई थी, ये फीचर्स इसमें एड ऑन हो गए हैं। और सबसे बढ़िया बात है वोकल फॉर लोकल।